सभी साथियों का जय भीम। आज आप सबसे बात करने की इच्छा इसलिए थी, आज एक एक बिंदु पे, एक खास बिंदु पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और उसकी वजह यह है कि आज मेरी माँ को एक वर्ष पूरा हो चुका है। आज के दिन मैंने घर से अपनी माँ को विदा किया था। कायदे से एक तरह से देखा जाए तो माँ ने अंतिम सांस 5 तारीख को ली थी, क्योंकि मैं बाहर थी, आउट ऑफ इंडिया थी, स्पेन में थी, तो इसलिए माँ को घर पे रखा था 6 को, और 7 को हमने अंतिम विदाई दी थी। ये महत्वपूर्ण इसलिए मुझे लगा कि आज मैं बहुत मन एकाग्र है, आज माँ को जीना चाहती हूँ, इसलिए आपसे भी बात करना चाह रही हूँ। माँ ने मुझे ये हौसला दिया था, माँ ने एक दिन बातों बातों में कहा था कि अंतिम विदाई तक मेरे साथ रहना, और मैंने जैसा माँ ने चाहा मैंने वैसे ही पूरा किया। साथियों, आपसे इसलिए बात करना चाहती हूँ, बहुत सारे मित्रों ने मुझे ये कहा कि 1 साल हो चुका है, क्या माँ बाप तो सबके जाते हैं, ये वो मैं सब जानती हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरे रोने धोने से माँ वापिस आने वाले नहीं है, चाचा भी नहीं आए तो माँ कैसे आएगी। लेकिन यहाँ मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो माँ की वजह से हूँ, इसलिए नहीं तो सभी होते हैं, सभी कहते हैं, सारे पुरुष भी कहते हैं, सारी महिलाएं भी कहती हैं कि माँ बाप का योगदान है ही, इसमें कोई द्वारा नहीं। व्यक्तिगत रूप से बात करूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ सीधे रूप से कि हमारे समाज में, आज भी भारतीय समाज में, जो लड़की की जिम्मेदारी है वो सिर्फ शादी तक सीमित होती है। शादी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा दहेज देना, उनके त्यौहारों में शामिल होना, सुख दुख में शामिल होना, त्यौहार सुख दुख से जुड़ा होता है, या एक तरह से कहिए कि भात देना, छुचक देना, ये यहाँ तक जिम्मेदारी रहती है। लेकिन माँ कैसे अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा कर सकती है शादी के बाद भी, कैसे सब कुछ छोड़कर एक स्त्री को, दूसरी स्त्री को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकती हैं, वो मैंने माँ से सीखा है। मेरी माँ ने सारी चीज़ों को तिलांजलि दी। आज भी मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि हमारे समाज में महिलाओं को, खासकर माँ बाप को, लड़की का, बेटी का पानी तक पीने का एक तरह से उसको अलग तरह से देखा जाता है। लेकिन मेरी माँ ने न केवल इन सारी चीज़ों को तिलांजलि दी थी, बल्कि मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चली। मेरे जो साथी हैं, जो जेएनयू में हैं, जो जेएनयू में रहे थे, उन्होंने मेरी माँ को देखा है, चाहे वो प्रोफेसर विवेक कुमार हो, प्रोफेसर फूलबदन हो, प्रोफेसर चमनलाल हो, प्रोफेसर प्रदीप हो, प्रोफेसर विक्रम हरिजन हो, रजनीश प्रोफेसर हो, या तमाम जेएनयू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे बैचमेट रहे, सब ने मेरी माँ को देखा है। उसके बाद फिर जितना भी सोशल एक्टिविज्म रहा, मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर लेक्चर देने जाना है तो माँ मेरे साथ रही। अगर मुझे तालकटोरा स्टेडियम में शांति स्वरूप बौद्ध जी के सम्मान समारोह में जाना है तब भी माँ मेरे साथ रही। जब भी कोई सोशल एक्टिविटी का प्रोग्राम हुआ, यहाँ तक कि आपको जानकर थोड़ा अच्छा लगेगा कि जब अपने जंतर मंतर में कोई प्रदर्शन हुआ उसमें माँ मेरे साथ रही। तो मैं कहना बस इतना ही चाहती हूँ कि एक स्त्री दूसरी स्त्री को बढ़ाने में अगर लग जाए तो समाज पीछे नहीं हट सकता। बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को अगर याद करूँ तो सावित्री बाई फूले के योगदान को याद करूँ, रमाबाई अगर ना होती तो बाबा साहब अम्बेडकर उस तरीके से नहीं बन पाते जो बने। सावित्री बाई फूले का योगदान जो ज्योतिबा फूले को मिला, या तमाम हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं उन सब का जो योगदान मिला, उनके पीछे एक स्त्री है। एक स्त्री कैसे एक दूसरी स्त्री को बढ़ा सकती है, ये मैंने मेरी माँ से सीखा है। मेरी माँ की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी शादी तक नहीं रही, बल्कि मैं जो बनना चाहती थी, जो अंदर मेरे कूट कूट के भरा था, चट्टान जैसे मजबूत इरादे को बनाए रखने में मेरी माँ ने मेरा योगदान दिया। मेरी माँ के कभी आँखों में मैंने पानी नहीं देखा मेरे चाचा को याद करते हुए। बस एक ही कहा करती थी, एक ही चीज़ कि मैं हूँ। मेरी विडम्बना है जिससे मैं बार बार निकल के भी आता है सोशल मीडिया में, वो ये कि मैं अंतिम समय में उनके साथ नहीं थी, बाहर थी, मैंने नहीं देखा मेरी माँ को क्या हुआ, जो मेरे को सारी उम्र तक पश्चाताप रहेगा। मैं मुझे कई बार बहुत बार ध्यान आता है कि मैं स्पेन अगर ना जाती तो मैं माँ के साथ रहती।
बहरहाल ये सृष्टि का नियम है, इसको मैं स्वीकार भी कर रही हूँ। मुझे टाइम लग रहा है, मैं जानती हूँ कि टाइम लग रहा है। बस आपके सामने बात करने का एक जो मेन जो मेरा उद्देश्य था वो यही था कि आज बरसी वाले दिन मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ, मेरे तमाम जो मेरे दलित समाज की स्त्रियाँ हैं, स्त्रियों के योगदान को कम मत आंकिए। अगर स्त्री अपने पे आ जाए तो तमाम सारी चीज़ों को परे हटा सकती है, उसके सामने बड़ी से बड़ी मुसीबत भी कुछ नहीं है। कौशल को कौशल्या से कौशल तक पहुंचाने से कौशल्या से कौशल तक पहुंचाने में मेरी माँ ने मेरा सबसे बड़ा साथ दिया है, बहुतों ने साथ दिया, इवन मेरा जो जीवन साथी है उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उसके योगदान को कम नहीं आंकना चाह रही, मैं जितने मेरे जो सहयोगी रहे उनके योगदान को कम नहीं आंक रही, लेकिन एक स्त्री दूसरी स्त्री के लिए कैसे सारी चीज़ों को तिलांजलि दे के उसको आगे बढ़ाने में योगदान दे सकती है, वो मैंने अपनी माँ से सीखा है। इसलिए महिलाओं से, मेरी दलित समाज की स्त्रियों से मेरा आज बरसी वाले दिन इतना ही निवेदन है कि जिम्मेदारी सिर्फ लड़की को पैदा करके और उसको ससुराल तक भेजने की नहीं है, बल्कि एक स्त्री होने के नाते उस स्त्री की इच्छाओं को, भावनाओं को, उसके मुकाम को, जो मंजिल वो पाना चाहती है, उसका रास्ता बनने की सीढ़ी माँ बनती है। बस आज के लिए।